दयालबाग शागन स्थित अध्ययन फॉर ऑटिज्म संस्थान में देश के 75 अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर संस्थान के स्पेशल स्टूडेंट्स ने देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दयालनगर शागन स्थित अध्ययन फॉर ऑटिज्म संस्थान में देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर संस्थान के स्पेशल स्टूडेंट्स ने देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अध्ययन फॉर टूरिज्म संस्थान के निदेशिका डॉक्टर रेणु रावत तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर इस बार आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव देश भर के साथ साथ संस्थान परिसर में भी मनाया गया। जैसे कि आपने बताया कि 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको इसलिए नया रूप दिया है कि आज हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी और जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं वो भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे डांस कर रहे हैं। ये इंक्लूसिव का एक नया हम लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है यहाँ पे, जिसमें कि हमारे बच्चों की मम्मियाँ जो इस रैंप पे वॉक करेंगी और हमारे बच्चे भी रैंप पे वॉक करेंगे। स्वतंत्रता दिवस बड़े पूरे उल्लास पूरे जोश के साथ अध्ययन फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म के इस प्रांगण में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में यहाँ मना रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे आगरा में नहीं, पूरे देश में घर घर तिरंगा के नाम पर मैंने अपने जीवन में इतना उत्साह स्वतंत्रता दिवस के लिए न पहले कभी देखा। कार्यक्रम में शामिल वरिष्ठ समाजसेवी संजय दुबे ने कहा कि संस्थान में देश का हर त्यौहार और पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अध्ययन फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म जो हर साल कुछ न कुछ एक प्रोग्राम अपने महोत्सवों पर करता हुआ आ रहा है, इस बार 76वें जो अपना 15 अगस्त मनाया जा रहा है तो उसमें इन्होंने बच्चों का डांस प्रोग्राम रखा है। ऑटिस्टिक बच्चे अपने डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस तरीके से, और इसी तरीके से सबका बच्चों का उत्साह बढ़ रहा है। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का संस्थान के संरक्षक प्रमोद वर्मा, गुड्डू भाई, पंकज तिवारी ने उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में नीरज तिवारी और धीरज का काफी सहयोग रहा। अजय बहादुर, सी न्यूज़, आगरा।